हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्टेटस बार को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं और इसे रीसेट भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप स्टेटस बार को ओपन करिए। ठीक है, ये आपका स्टेटस बार होता है जिसमें आपको वाईफाई आइकन, ब्लूटूथ आइकन, ये सभी आइकन आपको दिखाई देते हैं ना, ये आपका स्टेटस बार होता है। इसमें आपको जो है लेफ्ट साइड पर पेंसिल का ऑप्शन दिखाई देता है, लेफ्ट साइड पर आपको इसे टैप करना है तो आपका स्टेटस बार फुल पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप इस पेज के ना नीचे की साइड में आपको काफ़ी सारे आइकन आपको दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे आइकन आपके स्टेटस बार में आपके शो नहीं होते हैं। ठीक है, इन आइकन्स को आप अपने स्टेटस बार में ऐड कर सकते हैं और इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऐड कैसे करना है ये देखिए, जैसे ये डेटा सेवर का ऑप्शन है, ठीक है, आइकन है, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है और इसे ऊपर की साइड ड्रैग करते हुए ले जाना है। ठीक है, तो आपको पुट कर देना है ऊपर। ठीक है, ऊपर पुट कहाँ पर करना है ये देखिए, जो होल्ड एंड ड्रैग लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर वाली कैटेगरी में आपको कहीं पर भी पुट कर देना है तो आपका ये स्टेटस बार में ऐड हो जाएगा। ये देखिए डेटा सेवर का आइकन यहां कहीं होगा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। ठीक है, डेटा सेवर का आइकन ऐड हो गया। अगर आपको अपने स्टेटस बार से किसी भी आइकन को हटाना है यानी कि हाइड करना है तो उसे आप उंगली से दबा के रखिए इस तरीके से और आप इसे नीचे लेकर आ जाइए और इसे पुट कर देना है। ठीक है, तो मैं वाईफाई का आइकन यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है और देखिए पुट कहाँ पर करना है, होल्ड एंड ड्रैग लिखा हुआ है ना, इसके नीचे वाली कैटेगरी में आपको कहीं पर भी पुट कर देना है। ठीक है, तो आपका वाईफाई का आइकन यहाँ से हाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी आपको वाईफाई का आइकन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी आइकन को आप अपने स्टेटस बार से हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसे रीसेट कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए स्क्रीन के टॉप पर 3 डॉट का ऑप्शन है, इसे आपको टैप करना है, रीसेट का एक पेज ओपन होगा छोटा सा, इसे आपको दबाना है। ठीक है, तो ये आपका रीसेट कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूरा मोबाइल फोन रीसेट नहीं होगा, आपका सिर्फ स्टेटस बार रीसेट होगा। ठीक है, स्टेटस बार रीसेट होने से क्या होता है, आपके मोबाइल फ़ोन की डिफॉल्ट सेटिंग के अकॉर्डिंग आपका स्टेटस बार फिर से सेट हो जाता है। ठीक है, देखिए वाईफाई का आइकन ऊपर चला गया और डेटा सेवर का आइकन नीचे आ गया है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये सेटिंग इस तरीके से आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं।